हेरिटेज और कल्चर की जब बात करते हैं तो जाहिर हेरिटेज और कल्चर एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी सोसाइटी का, बिकॉज इट टेक्स यू बैक एंड यू हैव टू नो वेयर यू आर फ्रॉम इन ऑर्डर टू नो वेयर यू आर गोइंग। टू गिव अवे दीज अवार्ड्स, हम यहाँ पे दावत देना चाहेंगे द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ के इलेक्ट्रिक जनाब मोनस अब्दुल्ला अलवी साहब को। पहले शुरुआत करते हैं हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से, जिनका एक फेस्टिवल यानी फेस्टिवल्स एट नैपा इज़ व्हाट वी आर एक्नॉलेजिंग। इतनी ज़बरदस्त मेहनत होती है रंगों का और कहानियों का, ये जो सिलसिला है इट एक्चुअली टेक्स अस बैक टू आवर रूट्स। ये अवार्ड रिसीव करने के लिए यहाँ पे दावत देना चाहेंगे डायरेक्टर हैं जी नैपा में जैन अहमद साहब और इसके अलावा सरमद खान साहब। इस तरह के अवार्ड्स जो हैं ये दो तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये कि जो इदारे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में उनकी रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अक्सर बहुत लिमिटेड बजट्स के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं। नैपा के लिए ये बहुत ज़रूरी है और अहम है, क्योंकि कल्चर एक फील्ड है जो कि बहुत क्रॉनिकली अंडर फंडेड रहा है पाकिस्तान में, और उसकी रिकग्निशन होना और उसके लिए कोई भी एफर्ट होना कि ये कल्चरल काम जो है वो आगे बढ़ सके बहुत ज़रूरी। किताब से दोस्ती हमारी सकाफत का हिस्सा है और हमारे अगले जो रेसिपिएंट्स हैं इदारा तालीम व आगही फॉर देयर प्रोजेक्ट किताब गाड़ी, दोस्तों इनवाइट करेंगे सहरिश फारूक साहिबा। तो वी आर एक्नॉलेजिंग इंडीड द इदारा तालीम व आगही फॉर देयर प्रोजेक्ट किताब गाड़ी, जो जगह जगह एक मोबाइल लाइब्रेरी को लेके जाएगी। इदारा तालीम व आगही पिछले 20 साल से काफ़ी इस तरह से इनिशिएटिव्स ले रहा है, काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहा है जो कि तालीम की बुनियाद पर होता है, चाहे वो कच्ची जमात का बच्चा हो चाहे वो 35 साल से बड़ी उम्र के कोई लोग हों। सो इदारा तालीम व आगाही ने अपने हर किस्म के काम किए हैं, चाहे वो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग्स हों या बच्चों का लिटरेचर हो। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक ऐसा इदारा जो हमारे सकाफती विरसे यानी हमारी मौसीकी को आर्काइव कर रहा है, और ख़ास तौर पर जो लोक मौसीकी के फ़नकार हैं उनकी लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगियों को सस्टेनेबल बनाना और कहीं उनके साथ ये फ़न ख़त्म ना हो जाए, नए लोगों को इसकी तरबियत देना, नए रबते कायम करना इज़ ऑल दैट दे आर इन्वॉल्व विद। हम बात कर रहे हैं तहजीब फाउंडेशन की। वंडरफुल, और तहजीब फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं फातिमा ज़हरा अवान, हु इज़ द डायरेक्टर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन।